खबर है आशाराम बापू की रिहाई को लेकर जयपुर में की गई विशाल रैली की। 11 मार्च 2024 को श्री राम मंदिर राजा पार्क जयपुर से आशाराम बापू के हजारों शिष्य द्वारा आशाराम बापू की रिहाई को लेकर विशाल रैली निकाली गई। दोपहर 12 बजे से विशाल रैली श्री राम मंदिर राजा पार्क से रवाना होकर रामनिवास बाग तक निकाली गई। आशाराम बापू के शिष्यों ने आशाराम बापू के चित्र के पोस्टर अपने हाथों में ले रखे थे और ये नारा लगा रहे थे, बापूजी निर्दोष है, रिहा करो रिहा करो। 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 आशाराम बापू को कारागार में 11.5 वर्ष हो गए हैं। कारागृह में रहते हुए वर्तमान में आशाराम बापू की हालत बहुत गंभीर हो गई है। हार्ट में 3 ब्लॉकेज एम्स की रिपोर्ट के अनुसार बताए गए हैं। जयपुर में आयोजित इस विशाल रैली के संयोजक आशाराम बापू के शिष्य और वक्ता रामा भाई ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा करवाने के लिए हम न्यायालय से बेल चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न्यायालय में अनेक सबूत आशाराम बापू के निर्दोष होने के पेश करने के बावजूद अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आशाराम बापू ने अपना पूरा जीवन देश की धार्मिक सभ्यता और संस्कृति में लगाया, उसके बावजूद लोकतांत्रिक देश में इनके साथ अन्याय हो रहा है। इन्होंने कहा कि रैली हमारा संवैधानिक अधिकार है, रैली के माध्यम से आशाराम बापू के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा करवाने हेतु न्यायालय से जल्द बेल चाहते हैं। इन्होंने कहा कि रैली हमारा संवैधानिक अधिकार है, रैली के माध्यम से आशाराम बापू के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जल्द से जल्द न्यायालय द्वारा बेल मिल जाए, इसी लक्ष्य को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विशाल रैली निकाली जा रही है। इस रैली में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आशाराम बापू के भक्त इस रैली में पधारे। न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर से, मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर आप? आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये विशाल रैली हो रही है। कल 6 जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई थी, आप सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कवर भी किया था। कल जो है 4 बड़े महानगरों में रैली हुई, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और बिहार के पटना में। जैसा कि मैंने बताया था कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख को इस राजस्थान के जयपुर में एक विशाल रैली होने जा रही है। सभी को पता है कि 1.5 महीने से बापू जी का जो है स्वास्थ्य बहुत नाजुक है और 1.5 महीने तक वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होकर के आए हैं। उनको 3-3 हार्ट में ब्लॉकेज निकले और उनका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन चला गया। 1.5 महीना इलाज के बाद भी बापू जी का स्वास्थ्य जो स्टेबल नहीं हुआ। अभी जोधपुर एम्स का कहना है कि उनको दिल्ली एम्स में लेके जाया जाए। दिल्ली एम्स में अगर लेकर के जाते हैं तो दिल्ली एम्स क्या इलाज करेगा, या तो बाईपास करेगा या स्टंट डालेगा, जो कि बापूजी की 86 वर्ष की आयु है और उनका स्वास्थ्य के हिसाब से शरीर अलाउ नहीं करता। तो हमने मांग की है कि बापूजी का यथोचित आयुर्वेदिक इलाज होना चाहिए। उसके लिए बार बार जो है हम बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन एक बार भी इन 11 सालों में बापूजी को एक दिन की भी मोहलत नहीं मिली, एक दिन की भी राहत नहीं मिली है। तो आज पूरे देश भर में जन आक्रोश है साधक रोड पे, लेकिन 11 वर्षों में पहली बार जो है साधक निकल के इसलिए आए कि अगर बापूजी की इस आयु में और इस अवस्था में भी बापूजी को अगर राहत नहीं मिलेगी, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कभी किसी को बेल मिल रही, कभी किसी को पैरोल मिल रही है, तो बापूजी का गुनाह क्या है? बापूजी के देवी कार्य सेवा कार्य में तो देखिए, एक लड़की ने आरोप लगा दिया और आरोप लगाने मात्र से जिसका कोई आधार नहीं, कोई सबूत भी नहीं है, और हमने निरपराध होने के, निराधार होने के हमने जो है आरोप की भाई लड़की बालिग है बालिग है, उसके 5-5 साक्ष्य देने के बाद भी कोर्ट में हमारा एक भी जो है साक्ष्य स्वीकार नहीं किया गया। जो आप ये रैली करने जा रहे हैं, इस रैली के माध्यम से भी अगर सरकार बापूजी को राहत नहीं देती तो ऐसे में क्या अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे? देखो, हमारा किसी सरकार के विरोध में, किसी न्यायिक व्यवस्था के विरोध में नहीं है। हम तो अपनी मांग के लिए आए हैं, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है और हमको ये अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, उसे अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए और माननीय न्यायालय और संविधान हमको इसकी इजाज़त देता है। तो ये कानून सबके साथ भेदभाव क्यों करता है? बापू जी के लिए अलग न्याय, दूसरों के लिए अलग न्याय है। तो अगर हमारी ये संवैधानिक तरीके की मांग यहाँ पूरी नहीं होती है तो ये रैली के माध्यम से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक भी अपना मैसेज छोड़ना चाहते हैं और माननीय न्यायालय से भी हम अनुरोध करते हैं कि बापू जी निर्दोष है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उनको उत्तम स्वास्थ्य के लिए पैरोल दी जाए। रैली के माध्यम से आपका संदेश न्यायालय तक जरूर पहुँचे, इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रजेश जयपुर से, मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। बापू
बापूजी निर्दोष हैं। रिहा करो, रिहा करो। 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 साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिहा करो, रिहा करो। बापूजी को रिहा करो।